शहीद आजम भगत सिंह की शहादत पर पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी तो सामाजिक न्याय के ये दो महायोद्धा ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या प्रतिक्रिया दी थी? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो द प्रिंट के लिए लिखे गए सिद्धार्थ जी के लेख पर आधारित है और उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के समय उस दौर के दो प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्रिकाओं में क्या लिखा, इसे जानना इनकी विचार प्रक्रिया को समझने में मददगार साबित होगा। 23.5 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। उनके साथ ही सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई। ईवी रामास्वामी पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अपने समाचार पत्रों में इस फांसी पर अपनी राय रखी थी। भगत सिंह की फांसी के 6वें दिन 29 मार्च 1931 को पेरियार ने अपने समाचार पत्र कुदी अरासू में इस विषय पर भगत सिंह शीर्षक से संपादकीय लेख लिखा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अखबार जनता में 13 अप्रैल 1931 को इन तीन युवाओं की शहादत पर तीन बलिदान शीर्षक से संपादकीय लेख लिखा था। पेरियार की पत्रिका तमिल भाषा में निकली थी, जबकि जनता डॉक्टर अंबेडकर के संपादन में निकलने वाला एक मराठी पाक्षिक पत्र था, यानी 15 दिन में छपने वाला अखबार था। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के प्रति पेरियार और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मन में बेहद सम्मान था, क्योंकि ये बातें इन दोनों संपादकीय लेखों से साफ हो जाती है कि देश और समाज के लिए जीने और मरने वाले भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के प्रति इन दोनों पेरियार और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मनोभाव क्या थे। सबसे पहले पेरियार के संपादकीय को लेते हैं। संपादकीय की पहली ही पंक्ति इन शब्दों से शुरू होती है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने भगत सिंह को दी गई फांसी की सजा पर दुख व्यक्त न किया हो, न ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए सरकार की निंदा न की हो। कुदी आरसू 1931। अपना दुख प्रकट करने के बाद पेरियार भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में गांधी और ब्रिटिश शासन के बीच खुले और गुप्त संवाद की चर्चा करते हुए इस पूरे संदर्भ में भारतीय जनता की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे जनता का एक हिस्सा इस फांसी के लिए गांधी को भी जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ नारे लगा रहा है। फिर वे भगत सिंह के व्यक्तित्व की महानता और अपने उद्देश्यों के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वे एक ईमानदार शख्सियत थे। हम जोर देकर पूरे विश्वास के साथ कहना चाहेंगे कि भारत को भगत सिंह के आदर्शों की ही आवश्यकता है। जहां तक हम जानते हैं, वे समधर्म यानी कि बहुआयामी समानता और साम्यवाद के आदर्श में विश्वास रखते थे। इसके बाद पेरियार भगत सिंह का एक चर्चित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से वे बताते हैं कि भगत सिंह का आदर्श सबके लिए समता और साम्यवाद के आदर्श की स्थापना था। वे भगत सिंह को कोट करते हुए कहते हैं, हमारी लड़ाई उस समय तक जारी रहेगी जब तक साम्यवादी दल सत्ता में नहीं आ जाते और लोगों के जीवन स्तर और समाज में जो असमानता है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। ये लड़ाई हमारी मौत के साथ समाप्त होने वाली नहीं है, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार चलती रहेगी। इसके बाद पेरियार विस्तार से धर्म, ईश्वर, असमानता, गरीबी और अछूत समस्या पर भगत सिंह के विचारों की चर्चा करते हुए उनके पक्ष में खड़े होते हैं। वे उनके द्वारा समता और साम्यवाद हासिल करने के तरीके से पूरी तरह सहमत नहीं होते हैं, लेकिन उनके आदर्शों की प्रशंसा जरूर करते हैं। संपादकीय के अंत में वो भगत सिंह के व्यक्तित्व का इन खूबसूरत शब्दों में चित्रांकन करते हैं, भगत सिंह ने उत्कृष्ट, असाधारण और गौरवशाली मौत अपने लिए चुनी थी, जिसे साधारण इंसान आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हम हाथ उठाकर अपने सभी शब्द सामर्थ्य के साथ और मन की गहराइयों से उनकी प्रशंसा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि भगत सिंह के बारे में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार थे। अपने पाक्षिक अखबार जनता में 13 अप्रैल 1931 को लिखे संपादकीय में डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को बलिदान के रूप में रेखांकित करते हैं और अपने संपादकीय को तीन बलिदान शीर्षक देते हैं। पूरी संपादकीय का निष्कर्ष ये है कि तीनों व्यक्तित्व ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति के शिकार बने।
इसी कारण से वे कहते हैं कि यह न्याय नहीं था बल्कि अन्याय था। वे लिखते हैं, अगर सरकार को यह उम्मीद हो कि इस घटना से अंग्रेजी सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय है या न्यायपालिका के आदेश पर हूबहू अमल करती है, ऐसी समझदारी लोगों के बीच मजबूत होगी और लोग उसका समर्थन करेंगे, तो यह सरकार की नादानी है, क्योंकि ये बलिदान ब्रिटिश न्याय देवता की शोहरत को अधिक धवल और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं है। खुद सरकार भी समझदारी के आधार पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकती है, फिर बाकियों को भी इसी न्यायप्रियता के आवरण में वह किस तरह संतुष्ट कर सकती है। न्याय देवता की भक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि विलायत के कंजर्वेटिव राजनीतिक रूढ़िवादी पार्टी और जनता के डर से इस बलिदान को अंजाम दिया गया। इस बात को सरकार के साथ दुनिया भी जानती है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साहस को नमन करते हुए संपादकीय की शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर उन आरोपों का भी जिक्र करते हैं जिनके तहत इन तीनों लोगों को फांसी दी गई। फिर वे इन तीनों की बहादुरी की चर्चा करते हुए कहते हैं, फांसी की जगह गोली से उड़ा देने की भगत सिंह की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की गई। वे लिखते हैं, हमारी जान बख्श दें, ऐसी दया की अपील इन तीनों में से किसी ने भी नहीं की। हाँ, फांसी की सूली पर चढ़ाने के बजाय हमें गोलियों से उड़ा दिया जाए, ऐसी इच्छा भगत सिंह ने प्रकट की थी, ऐसी खबरें जरूर आई हैं, मगर उनकी इस आखिरी इच्छा का भी सम्मान नहीं किया गया। इस संपादकीय में विस्तार से डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह की फांसी के संदर्भ में भारत और ब्रिटेन में हुई खुली और गुप्त राजनीति की चर्चा करते हैं और इसमें गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन की भूमिकाओं पर बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की राय में गांधी और इरविन भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदलने के हिमायती थे। इरविन से गांधी जी ने यह वादा भी लिया था, लेकिन ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति और ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए इन तीनों को फांसी दी गई। वे अपनी संपादकीय के अंत में लिखते हैं, लबोलुआब यही है कि जनमत की परवाह किए बगैर गांधी इरविन समझौते का क्या होगा, इसकी चिंता किए बिना विलायत के रूढ़िवादियों के गुस्से का शिकार होने से अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बलि चढ़ाई गई। ये बात अब छिप नहीं सकेगी, ये बात सरकार को पक्के तौर पर मान लेनी चाहिए। ईवी रामासामी पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर के शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर संपादकीय उनकी गहरी संवेदनशीलता और व्यापक मनुष्यता को समेटने वाली वैचारिकी का उत्कृष्ट नमूना है। इन दोनों महानायकों ने अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता का सीधा विरोध किया और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने की मुखालफत की। इस वीडियो में इतना ही साथियों, इस बारे में आपका क्या कहना है वो कमेंट में लिखें और अपनी राय जरूर जाहिर करें ताकि हम उसे पढ़ सकें। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस बारे में आप और क्या नई जानकारी जानना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में लिखें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।